Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Welcome to the quarantine series. I hope आप सब खैरियत से हैं, SOPs का ख्याल कर रहे हैं और उससे भी लागू करा रहे हैं. बहुत अहम मौजू है गिविंग पीस अ चांस. हमारे इर्द गिर्द कुछ नेबरहुड रहे हैं जिसमें वायलेंस रहा है, और जब वायलेंस रहता है किसी भी नेबरहुड में तो एडल्ट्स तो इम्पैक्ट होते हैं, बट द यंग वंस ग्रो अप इन दैट, चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैट, और फिर ये वायलेंस जेनरेशन पे चलता रहता है. ऐसे एरियाज को हम लेबल जरूर कर देते हैं, ऐसे एरियाज से दूर भागते हैं. कम लोग हैं जो कि ऐसे एरियाज में काम करना मुंतखब करते हैं. ऐसे एरियाज में पीस का पैगाम ले जाने वाली एक खातून जिनको हम बहुत सालों से जानते हैं, बहुत सालों से वो लगी हुई हैं सिस्टम के खिलाफ, स्ट्रगल करती रहती हैं सिस्टम के खिलाफ भी सिस्टम के साथ भी. पीस का पैगाम तालीम के थ्रू लियारी के नेबरहुड में, जो कि आसान कम्युनिटी नहीं, एक ऐसे वक्त में जिसमें वायलेंस हर वक्त में ही रहा है लियारी में, शायद फॉर्म चेंज किया हो, लेकिन यकीनन बहुत सारी मुश्किलात तय करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत निज़ाम बनाया है जिसको हम किरण फाउंडेशन के नाम से जानते हैं. हमें ज्वाइन करेंगी सबीना खत्री, शी इज़ द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ किरण फाउंडेशन. इट्स अ नॉन प्रॉफिट दैट इज चैलेंजिंग नॉर्म्स एंड पैराडाइम्स इन लियारी सिंस 2004. करीबन 16 साल की मुशक्कत है ये. अंडर द लीडरशिप द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स होलिस्टिक सपोर्ट एंड एजुकेशन टू मदर्स एंड चिल्ड्रन, यानी बच्चों के साथ साथ माओं को भी शामिल करती है, इन अ वे दैट इज ट्रूली एम्पावरिंग एंड रूटेड इन द अवेयरनेस and understanding of mental health and well-being. She has extensive experience in working with children and adults who have been affected by domestic violence, abuse and neglect. She laid the foundation of Kiran school system as a preschool that is based on the principles of trauma sensitivity and early childhood education. So a blend hai jo ki trauma se bhi heal karata hai bachcho ko aur unhe of course jadid taqaton ke sath taleem bhi deta hai. Before dedicating her time to Kiran Foundation full time, she was a certified nutritionist and a fitness instructor, so some great connects there, and that blends into how she has organized this beautiful institution. Hame join kar liye Sabina Khatri, aap sabka bhi bahut shukriya. Welcome Sabina upon the show. Jazakallah, thank you. अरे मैं बोलता चला गया, आपका काम इतना हसीन है कि उस पे इमोशन जुड़ जाते हैं. एंड देन दिस फ्लो, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स बीन अ हार्ड वीक. बहुत मुश्किल ये एक हफ्ता गुजरा है, एवर सिंस द बिल्डिंग कोलैप्स. बहुत बहुत तकलीफ दे हफ्ता गुजरा है. और यू नो डेज, टुडे वाज वन ऑफ दोस डेज जब आई वाज नॉट अप टू इट, बट या I'm here now. Well, thank you. We are all putting up with something or the other. Thank you, Sabina Appa, for joining us. Thank you, all of you, for joining us. Usama, Gulshan, Amna, Abid, Faria, Yasir, Qasim, Usman, please, hame bataye ki aap kahan se hame join kar rahe hain aur aap kya karte hain, taki Sabina bhi jaan sakein aur hum aap se relevant guftugu kar sakein. Hamara mauzu hai giving peace a chance, ek aise neighborhood mein jis pe हमारी एसोसिएशन में जनरली वायलेंस जुड़ा हुआ है. हम जानेंगे कि कैसा है नेबरहुड, उसके अंदर तालीम का पैगाम, अमन का पैगाम. सो पीस बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन, लवली कंट्रीब्यूशन. थैंक यू सबीना आपा फॉर बीइंग ऑन द शो. इफ आई आस्क यू टू बिगिन विद लियारी, व्हाट पीपल थिंक, व्हाट इट इज, यू हैव बीन इन द कम्युनिटी वर्किंग डे एंड नाइट, प्लीज टेल अस व्हाट पीपल थिंक, व्हाट इट इज, अबाउट व्हाट? About Lyari as a community, as a setting, as a neighborhood. My perception of Lyari, or the perception of the people about their own community. मैं, मुझे तो educate किया है Lyari के लोगों ने, एक बहुत ही दूसरा जाविया दिखाया है struggle का, resilience, perseverance की जो मेराज है वो मैंने यहाँ की स्पेशली औरतों में देखी है. और बहुत छोटी सी उम्र से जब बच्चे कितना टॉलरेट करना सीखते हैं और वो टॉलरेशन की ब्रिम पहुंच जाती है और उसके बाद इट कन्वर्ट्स इनटू एपथी, कि अब वो बर्दाश्त कर कर करके दे स्टॉप फीलिंग, दे बिकम नम. वो नमनेस की एक स्टेज रहती है बहुत लंबा अरसा, और फिर उसके बाद वो नमनेस टर्न्स इनटू गिविंग बैक व्हाट द वर्ल्ड गिव देम, एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द अग्रेशन in the entire society. So it has to be taken all the way back to where it started from. So basically, maybe I should say it starts in the womb,
So if it starts in the womb, then it's the mothers we have to touch. And obviously, एक माँ जो के बच्चे को जन्म देने वाली है या पालने वाली माँ या पालने वाला बाप जो कि माँ के रोल में होता है या कोई और प्राइमरी केयर गिवर जो माँ के रोल में होता है, उसको अगर अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाए कि वो आने वाले 20 सालों की पाकिस्तान की किस्मत लिख रहा है, तो शायद बहुत सोच समझ के हर कदम उठाएगा, शायद बहुत सोच के तरबियत करेगा, करेगी या करेगा, क्योंकि उस मदरहुड की पोजीशन में तो कोई भी हो सकता है। बच्चे कभी किसी के हाथ पल रहे हैं, उसमें टीचर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ बिग पीरियड ऑफ द डे व्हेन द टीचर्स आर द मदर्स, बट क्या वो इस इंटेंसिटी से रियलाइज कर रहे हैं कि आने वाला पाकिस्तान जो है उसका कल्चर बनाएगा कौन? जो देंगे वही लौटाएंगे वो, और क्या करेंगे। मैं उमेर, मेरी तो कहानी जो लियारी की एंट्री पे ही मैंने जो कुछ शुरू शुरू की चीज़ें जो नोटिस की थी, और जिस वक्त मैंने तुम्हें पहले भी ये बहुत बार बताई है बात, कि 2 साल तो सिर्फ मैंने लियारी को जाना पहचाना, उस दौरान जो मैं लिख रही थी चीज़ें उसमें से जो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो मैंने जो जिस चीज़ ने मुझे हर्ट किया है और जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती, वो वाक्या एक मतलब जो जिसमें मैंने कोई 5-6 छोटे छोटे लड़के 6 साल 7 साल यही कोई उम्र होगी, वो एक कुत्ते के गिर्द उसको पत्थर मार मार के कोई उसकी दुम खींचता था, मैंने अपनी आंखों से देखा ये करते हुए उनको। और वो कुत्ता जो है वो जो कि बेसिकली एक बड़े साइज का कुत्ता है, जो कि बायोलॉजिकली एक फियर्स जानवर है, वो इतना खौफजदा था और वो जैसे वो रो रहा था, जैसे रोने की एक आवाज़ होती है, और मैं देख रही थी कि वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र इस वक्त मासूमियत की है, मोहब्बत की है, वो उसको इंजॉय कर रहे थे। मैंने इंटरवीन किया, दूर में गाड़ी खड़ी करके वॉक करके गई और मैंने उनको बिठाया, फुटपाथ पे मैं बैठ गई उनके साथ और मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हम खेल रहे थे। आई गॉट टू लाइक पॉज ऑन दैट एंड थिंक के ये प्ले है, यू नो टॉयज आर अस और ये जो खिलौने बनाने वाली कंपनीज है ना, ये साइकोलॉजिस्ट बिठाती हैं खिलौने बनाने से पहले, सोचती हैं कि ये खिलौना बच्चे के हाथ में जाएगा तो उससे वो क्या सीखेगा, यू नो लाइक द सो मच थॉट बिहाइंड मेकिंग अ टॉय, एंड हियर द किड्स आर सेइंग इन देयर वेरी इनोसेंट वे हम खेल रहे थे। तो मैंने सिर्फ उनको कहा कि आपको लगता है कि उसको तकलीफ हो रही होगी, उसको लग रहा होगा, तो उन्होंने उसमें से दूसरे बच्चे ने कहा ये जानवर है इसको दर्द नहीं होता, और फिर उसी ब्रेथ में आगे कंटिन्यू किया कि कुत्ते को मारना सवाब जन्नत मिलेगी। मैं जिंदगी भर ये अल्फाज नहीं भूलूंगी, मैं सिर्फ उन बच्चों को देखती रही। मैं उस वक्त तो खैर मैं बिल्कुल अजनबी थी और ना वो मुझे जानते थे, उनको लगा कि कोई ऐसी खातून बैठ गई है मेरे साथ फुटपाथ पे। सो बट दैट दोज दैट लिटिल ग्रुप ऑफ 4 to 5 years, नो नॉट 4 to 5, अराउंड 6 to 8 years ओल्ड बॉयज gave me a mission, you know, they put me on a path, and I wish someday I can, मैं ये कहानी हर ज़्यादातर कहीं talk होती है मैं ज़रूर बताती हूँ कि अगर वो बच्चे मुझे सुन रहे हैं आज, वो 17-18 साल के होंगे, मुझसे आके मिले ज़रूर, पता नहीं कहाँ गए वो बच्चे, क्योंकि वो तो randomly I met them on the street, लेकिन primary caregivers, I hold them responsible, the primary caregivers who are there, the madrasa teachers, the school teachers, the parents, the grandparents, the puppo, chacha, hamari family oriented, hamari lifestyle, ek bacche ka ek parent thodi hota hai, ek aurat shaadi bhi karti hai to ek aadmi se nahi karti hai, pure khandan se karti hai, and it's a beautiful thing, but at the same time it can create, instead of one person jisko theek karna hai, aap pure pure khandano ko theek karna hai. So if we embrace this culture, then we have to understand how important it is to talk to every person in the family to nurture one single child in a school. How can schools work in isolation with a child when there is no parent involvement except for the parent teacher meeting that happens maybe 6 months mein ek baar? Yes. How is the triangle going to be created? How will we know that the child is living in two worlds? उसने तो फेक करना सीख लिया है, माँ बाप के सामने अलग एक उसकी दुनिया है उसकी, और अब तो एक उसकी एक वर्चुअल दुनिया भी है,
तो तीन दुनिया में आसान रह हो रहे गया हैं। है, एस्केप है और मल्टीपल उसमें आइडेंटिटीज जी रहा है। आई विल ब्रिंग यू बैक, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वेरी पावरफुल कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। थैंक यू गाइस एंड गर्ल्स, सम ग्रेट कमेंट कमेंट्री देयर ऑन व्हाट यू सेड सेलिना, एंड सम लॉट्स ऑफ लव देयर फॉर यू एंड द वर्क दैट यू आर डूइंग। कासिम, यस इट्स कंफर्मड, आई डोंट हैव अ सेक्रेटरी एट दिस पॉइंट, प्लीज इट्स कंफर्मड, वंस इट्स ऑन द कैलेंडर इट हैपेंस। ओके, सो टेल अस अबाउट किरण स्कूल सिस्टम, द थॉट बिहाइंड इट, और फिर आपने कैसे शुरू किया, आपने 2 साल इस कम्युनिटी को समझा, एंड हाउ डिड यू पुट टुगेदर दिस थॉट दैट यू हैड टू डू दिस एज किरण फाउंडेशन, एज किरण स्कूल? Well, I would actually want to ask you that do you want to know when Kiran started, or do you want to know when I was prepared for Kiran? यानी मेरी तैयारी कब शुरू हुई थी किरण को बनाने की, ये एक अलग Now बात you've है। gotten me excited about knowing two things instead of one. You're very smart that way. Go on. Tell us both. I like the smile there. Actually, this is really very important, because शायद out there कोई 7 साल का 8 साल का बच्चा समझ नहीं पा रहा होगा कि उसके साथ जो कुछ जिंदगी में हो रहा है वो शायद किसी बहुत बड़ी मिशन की अलामत है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे हमारे जो 7 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, जो कि मैसेज में हैं, और हर बच्चे की जिंदगी एक ऑर्डियल है हमारे यहाँ, हार्डली आपको कोई ऑन फिंगर टिप्स ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको कोई, यानी देयर लिविंग इन अ वेरी लाइक यू नो प्रॉब्लम लाइफ। हमारे मैसेज बच्चे बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। अगर वो बच्चे किसी तरह अपने सारे ऑर्डियल्स को इस नज़र से देखने लग जाएं कि शायद मुझे तैयारी कराई जा रही है, मे बी आई एम द चोजन नेक्स्ट लीडर, दैट इज़ वाई मुझे इस पूरे प्रोसेस से गुजारा जा रहा है ताकि मैं एम्पथाइज कर सकूं, तो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग द विशियस साइकिल द चाइल्ड स्टार्ट्स लुकिंग एट ऑल द ऑर्डियल्स एज अ प्रेपरेशन फॉर बिकमिंग अ लीडर। तो अपने सोर पॉइंट्स के ऊपर जब वो खड़े होकर काम करता है ना, तो उसके काम में इम्पैक्ट होता है, उसके काम में उसकी लगन दिखती है, बिकॉज उसको उसका दर्द पता है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने क्यों मुर्दों को नहलाया? बिकॉज उनकी माँ की लाश 24 आवर्स तक रोड पे पड़ी रही, और उनके पास पैसे नहीं थे दफनाने के। दिस वॉज इन गुजरात एंड देट ही वॉज 12 years old. He felt it. Why did Imran Khan make Shaukat Khanum? His mother died of cancer. So, you know, when you feel it, when you speak up for a cause that is close to your heart, because you have somehow or the other gone through it yourself, then your cause becomes a mission. And the mission then has your heart in it. And then it's not rational anymore. It becomes emotional. And then you're not just counting numbers. कि आज मेरे 500 बच्चे हैं स्कूल में, कल हम 1000 कर लेंगे, आज मैंने एक स्कूल अडॉप्ट किया है ना, 2 साल बाद हमें 2 स्कूल अडॉप्ट कर। It's not about numbers. It's about how many people are being impacted. That's more important. And how many people are going to serve this world with love and kindness. That's more important. So, मुझे तो यही लगता है कि जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, 6 साल की उम्र में एक बच्चे को क्या याद रहता है? मेरी भी उम्र 6 साल की थी, लेकिन मेरी जिंदगी के कुछ उतार चढ़ाव, कुछ जिंदगी के कुछ मुश्किलात, कुछ नहीं कई, वो सब मेरे लिए एक एक फिनोमेना बनती चली गई, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करती चली गई कि ओके, सो कमिंग फ्रॉम अ ब्रोकन होम, डिवोर्स्ड पेरेंट्स, दैट्स अ फिनोमेना इन इटसेल्फ। फेसिंग दैट एज अ चाइल्ड, आई कुड हैव जस्ट ब्रश्ड इट असाइड, होता है, या मैं सेल्फ पिटी में चली जाती, या मैं कहती कि यू नो अम्मी ने छोड़ दिया, अबू ने छोड़ दिया, यू नो दिस थिंग्स। बट मुझे नहीं पता, पहली बात मुझे ये नहीं पता कि फ्रॉम वेयर डिड आई गेट दैट इनसाइट। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको किसने गाइड किया, मैं आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई हूँ। और क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ, इसलिए मैं बिलीव करती हूँ कि खुदा ने डायरेक्टली मुझसे बात की है ख्वाबों के थ्रू। मेरे ख्वाब बहुत विविड होते थे जब मैं छोटी होती थी, और सिर्फ एक आदत थी मेरी कि मैं अपने हर ख्वाब को सुबह उठकर ड्रॉ करती थी। राइटिंग नहीं आती थी, बहुत छोटी थी, तो मैं उसको ड्रॉ करती थी पिक्चर फॉर्म में कि मैंने आज ये देखा ख्वाब में। मैं ये स्किल बच्चों को सिखाना चाहती हूँ कि अपने ख्वाबों को ड्रॉ कर लो, बिकॉज 2 दिन के बाद आपको ख्वाब याद नहीं रहता, लेकिन ख्वाब तरीका होता है। हमारे हमारी कुदरत हमसे बात करती है, नेचर हमसे बात करती है। यू मे कॉल नेचर वॉट एवर, यू मे कॉल नेचर अल्लाह सुबहान व तआला, यू मे कॉल नेचर जस्ट नेचर, यू कैन कॉल एनीथिंग, इट्स एक्चुअली द कॉन्शियस इनसाइड that talks to you.
एनीथिंग एंड एवरीथिंग इजंट इट या एंड उस उन सिग्नल्स को समझना और उन सिग्नल्स के ऊपर सोचना पॉज करना बच्चों को हम स्कूल में पॉज नहीं सिखाते देयर इज नो पॉज इट्स लाइक इमेजिन करो एक 5 घंटे की स्कूल में बच्चे 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हाउ डू दे स्विच ऑफ फ्रॉम साइंस एंड स्विच ऑन टू मैथ स्विच ऑफ मैथ एंड गो ऑन टू इंग्लिश स्विच ऑफ इंग्लिश एंड गो ऑन टू उर्दू हाउ कैन द ब्रेन प्रोसेस एनीथिंग कुछ प्रोसेस ही नहीं कर रहा ब्रेन एंड दैट टू इन एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर दैट टू व्हेन इट्स वेरी लिटिल फन एंड वेरी लिटिल एंगेजमेंट अब पहले तो ये था कि अगर स्कूल में ये प्रोसेस मैकेनिकल सा चल रहा है रोबोटिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये हुआ वट एवर द रीजन बिहाइंड इट देयर आर 100 थ्योरीज बिहाइंड दिस बट द पॉइंट इज दैट पेरेंट्स गेव वॉट वॉज मिसिंग इन स्कूल पेरेंट्स फॉर फिलिंग इन द गैप मे बी 30 ईयर्स बैक कि स्कूल का काम नहीं है तरबियत करना ये हमारा काम है पॉज कराना बड़ों की बात को सुनते वक्त यू सी ओल्डर पीपल इन द हाउस दे आर फॉरगेटफुल दे रिपीट वर्ड्स तो वो पेशेंस क्रिएट करना बच्चे के अंदर के दादी रिपीट करती है बात को कोई बात नहीं बी पेशेंट इट इज व्हेन द पेरेंट्स लेट गो दे लेट गो एवरीथिंग एंड एक्सपेक्टेड द स्कूल टू डू एवरीथिंग इट्स व्हेन दिस केओस स्टार्टेड एंड नाउ व्हाट हैपेंड योर आइडिया इन किरण वाज टू अंडू दैट सो वाज टू मेक श्योर दैट द पेरेंट हैज स्किन इन द गेम पेरेंट्स टेक पीस Undo तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा बिलीफ है कि आई एम नॉट अ फिक्सर मेरा काम है सोच देना एंड थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली वेन यू क्रिएट एन ओएसिस वेन यू क्रिएट एन एनवायरमेंट एंड यू ब्रिंग अ पर्सन इन टू दैट एनवायरमेंट देन यू लेट द मैजिक हैपन इट्स लाइक लव हैपन्स यू जस्ट ब्रिंग दैट पर्सन इन योर ऑरा यू ब्रिंग दैट पर्सन इन दैट लाइट वेर एवरीथिंग इज peaceful where there is a safe space for the mother where she can explore herself and she knows I'm not going to be judged she knows that okay meri bhi ek life hai you know jab auratein bachiyan jab bahut choti umar mein shaadi ho jati hai bachchon ke yahan bacche paida ho rahe hote hain unke apne armaan dil mein reh jate hain ki humne explore nahi ki life hame lagta hai ki unko kabhi pata nahi chalega unko pata chalta hai jab tak unke bacche 3-4 ho chuke hote hain tab unko pata chalta hai ki are humne to ye bhi nahi dekha aur ye bhi nahi dekha और फिर वो हसरतें दिल में रहती हैं अब क्या होता है उसका रिजल्ट क्या होता है एक तो ये होता है जो सिंपल सबको पता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं बच्चों को मारने लगती हैं खुद को बुरा भला बोलने लगती हैं सेल्फ हार्म करती हैं यू नो ऑल दिस बट देयर इज अनदर साइड टू इट द अदर साइड इज दैट द मदर स्टार्ट लिविंग देयर ड्रीम्स इन देयर चिल्ड्रन मैं नहीं पढ़ सकी तुमको तो मैंने पढ़ाना है मैं ये नहीं कर सकी तुमको तो विच इज सो अनफेयर टू द चाइल्ड बिकॉज द चाइल्ड हैज हिज ओन ड्रीम्स So if the mother starts, if mother is given a platform to fulfill her dreams, she is off the case of the child and lets the child flourish in his own way. Let's the child be. Yeah, agar ek high schooler, ya ek, let's say 18-year-old comes to a mother and says that, I don't want to go to university right now. Main ek saal ka gap year leke, main duniya ghoomna chahta hu. Ya main north jana chahta hu. Ya mountain climbing karna chahta hu. Maa ki to hawaiyan ud jayengi. तो मैं जो तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा था तुम डॉक्टर बनोगे तुम ये जो मैं नहीं बन सके यू सी इफ शी इज ऑफ हर केस व्हेन शी हैज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर हरसेल्फ आल्सो व्हिच डज नॉट मीन शी इज सेल्फिश सबसे पहले तो ये चीज जहन से औरत के निकालना कि अगर वो अपने लिए कुछ कर रही है अगर वो गाना लगा के कोई गजल सुन रही है तो वो कोई जुल्म नहीं कर रही किसी के साथ अच्छा औरत को ये लगता है कि वो जुल्म कर रही है ऐसे अपने लिए कुछ भी करते हुए कुछ भी करते हुए उसको लगता है कि नहीं मेरी तो लाइफ आपको पता है मैं जब मदर्स की क्लासेस होती है ना सेशन में इतना डिफिकल्ट होता है उनसे ये सवाल पूछना उनको जब पूछते हैं ना आपका ख्वाब क्या है 100 औरतें बैठी हैं सामने सब कहेंगी मेरा ख्वाब है मेरा बच्चा ये बने मेरा बच्चा ऐसा ईदी जैसा बने मेरा अरे भाई बच्चे से हट कर आपका ख्वाब क्या अच्छा मेरा ख्वाब है कि मेरा एक ऐसा घर हो जिसमें मेरे बच्चों को खेलने की जगह मिले इट्स लाइक It's so hard for a mother to separate herself for a while and think about herself or us pe believe kare ke when she does that, she becomes a much better mother. Because children want to see their mothers happy. Ek bacha flourish karta hai jab apni maa ko khush dekhta hai. Ek bacha andar hi andar bahut responsible feel karta hai aur kabhi kabhar
उसकी कमियों के लिए भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील कराता है कि मैं अपने माँ की एक्सपेक्टेशन पे नहीं आ रहा या बाप की एक्सपेक्टेशन पे नहीं आ रहा तो आई एम अ बैड किड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ फैमिली इज अ यूनिट, बट इन दैट यूनिट एवरीबॉडी इज अ यूनिट विद इन इटसेल्फ एंड दे ऑल हैव अ राइट टू हैव यू नो सेफ हॉबीज एंड सेफ विशेस व्हिच दे कैन शेयर विद ईच अदर. दैट्स ओके. And it is not so they're together, but they have their own individuality, and that's what a good family. So then yeah. you have a different model. Tell us about involving parents. You involve mothers. Aapki school mein bachche ke saath maa bhi saath aati hai, wo bhi padhti hai. Dekhiye, shuru mein to jab school banaya tha, naturally school banane ki jo reason thi, wo to ek abuse ka case tha. Mera liyari aane ka koi plan as such nahi tha, lekin kudrat ka plan tha. Kudrat ka plan us waqt se tha. जब मैं 5 साल की थी, जब मेरी अम्मी पाकिस्तान में थी, माई मदर इज़ नॉट अ पाकिस्तानी, जब मेरी अम्मी पाकिस्तान में थी एंड शी इज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल, और वो जब लियारी की गलियों में मुझे छोटी सी फोक्सवैगन में डालकर, मैं बच्ची थी बहुत, मुझे याद नहीं है, मुझे लोग बताते हैं, वो बिल्डिंगों में जाती थी ऊपर और हेल्थ केयर देती थी मेरी कुछ औरतों को फ्री प्रोबोनो, व्हाइल माई फादर यूज़ टू बी इन द क्लिनिक बिकॉज माई फादर इज़ ऑल्सो डॉक्टर. सो वो मुझे याद नहीं था. अब ये बहुत बहुत ही ज़्यादा surprising or shocking story hai. Are you there? Yes, yes, okay, I am. You're there. Go on. All right. You're there. Go on. So I didn't know that, but then when I came to Liyari following a case of abuse, a small girl with her mother was abused by her biological father, and wo mere paas by coincidence that child and the mother kind of landed in my lap. उनको सपोर्ट देने के लिए, उसे एक बच्ची को और एक माँ को, जो कि कोई भी करता, अगर आपके पास भी कोई आ जाता तो आप भी लैंड हैंड करते कि चलो एक बच्ची तो इसको थोड़ा मदद कर देते हैं, कोई भी करता. यही सोच के मैंने भी किया था कि चलो एक बच्ची है, एक माँ है, इसको पाँव पे खड़ा कर देते हैं, अच्छी बात है. उस वक्त मेरे अपने बच्चे भी थे 3, वो लियारी में रहती थी माँ और बच्ची. उनको फॉलो करते करते जब उसका केस हुआ, डिवोर्स करवाया, ड्रग एडिक्ट था हस्बैंड, और यू नो वो बच्ची, एक और उसके यहाँ बच्चा पैदा. सो दिस होल प्रोसेस वेंट ऑन फॉर 2 ईयर्स, जब तक वो बच्ची 2 साल की हुई. उससे मेरा इतना लगाव हो गया, वो बच्ची बिल्कुल मेरी बेटी की तरह बन गई. ऑलमोस्ट सारा दिन घर में मेरे होती थी, मुझे माँ कहती है. तो वो उसकी जब जाने का टाइम आया, स्कूल जाने का, प्री स्कूल जाने का, दैट इज़ व्हेन हर बायोलॉजिकल मदर सेड कि मैं किसी प्री स्कूल में इसको नहीं डालूंगी, मैं डरती हूँ वो उसको कहीं किडनैप करके ना ले जाए. दैट गेव मी एन आइडिया कि जब लियारी इतना आना जाना हो ही रहा है, तो व्हाई डोंट आई लाइक इट, यू नो, मे बी डिज़ाइन अ प्री स्कूल That is for a mother and child both. और जो कुछ मैंने इनके साथ 2 साल किया वो एज अ प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, उसको मैं लिख लूँ, उसको डॉक्यूमेंट कर लूँ कि मैंने क्या किया इनके साथ, कि वो औरत ने पढ़ लिख भी लिया, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वो पोइट्री करती है, she's काम किया उसने, अपने पाँव पे खड़ी हो गई, she's like a working lady now, और वो बच्ची माशाल्लाह today she's in college. So that program developed into the Kiran Ibtidai School. सो वो एक बच्ची वो थी, और उसके साथ 19 और बच्चे मैंने चूज किए लियारी के, सब ढूंढे जो के किसी न किसी अब्यूज से के शिकार थे. सिंगल फैमिलीज के बच्चे, अबैंडन्ड, यू नो, समबडी हैड अबैंडन्ड फादर, हैड अबैंडन्ड ड्रग एडिक्ट फादर, समथिंग लाइक दैट, ताकि मैं एक ही जैसा प्रोग्राम सबके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ. एंड द होल मिशन एंड आइडिया वॉज टू सेव अ चाइल्ड from actually repeating the vicious cycle when he or she grows up, but to convert them into empathetic leaders. So two extreme points. Wow. Not even normal. यानी अगर आप intervention ना करें तो जो बच्चा खुद इन हालात से गुजरता है वो यही दूसरों के लिए create करता है. Now during all that period, while I established the Ibtidai school, during that period around say 2006 में मैंने establish किया, 2004 में वो बच्ची मुझे मिली थी, और 2008 के दौरान There comes a lady who's extremely old. She can't even climb the staircase. और वो नीचे से आवाज दे रही है कि मुझे जो है ना इनसे मिलना है, ये जो डिफेंस वाली माँ, she was like saying this, डिफेंस वाली जो औरत है ऊपर, उससे मुझे मिलना. And I heard her saying that. And मैंने नीचे आवाज दी, मैंने कहा इसको आने दें ऊपर, क्या कहना चाह रही. She couldn't even climb the stairs. She was so old. वो जब ऊपर चढ़ने लगी तो मैं सीढ़ी उतर के नीचे आई, और उसने मुझे ऐसे करके ना यहाँ से पकड़ के ना नीचे किया मेरी चादर से, और मुझे इधर प्यार करे, इधर प्यार करे, मेरा माथा चूमती है और मुझसे कहती है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो. That took the ground away from underneath my feet, and I just sat on the floor. मैं सीढ़ी पे गिर गई थी उस वक्त, बैठ गई थी,
मैंने कहा आप कौन है? कहने की तुम्हारी माँ इधर ना तुम्हें गाड़ी में डाल के इधर घूमती थी और वो साड़ी पहनती थी, उसने मेरी माँ को पूरा डिफाइन किया। देयर वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट आहा मोमेंट्स। आई वॉज नॉट देयर बिकॉज आई न्यू माई मदर वॉज देयर, आई वॉज देयर बाई फेट, बट माई वन ऑफ माई बिल्कुल डॉट हैड ऑलरेडी बीन प्लेस्ड देयर वेन आई वॉज 5, एंड देयर इज वेन आई कॉल्ड अप माई मदर हु लिव्स इन स्विट्जरलैंड नाउ, दैट वर यू एवर वर्किंग इन दिस प्लेस कॉल्ड लियारी? शी सेड व्हाट इज लियारी? या देयर वॉज अ स्लम टाइप ऑफ एरिया हैड बिल्डिंग्स, एंड देन आई एक्सप्लेन हर दिस, शी सेड या आई यूज्ड टू टेक इट, लाइक माई गॉड हाउ अल्लाह ताला, यू नो लाइक दिस इज अमेजिंग फॉर मी हाउ दैट हैपेंड, यू नो, एंड देन दैट मेड मी इवन मोर, यू नो, लाइक connected ke ab to I have a legacy here, you know, and my mother was coming here, my father used to have also a clinic in somewhere in Lee Market, he used to come 2 hours here to work as pro bono, baki kaam unka national hospital mein, lekin he used to come here too, magar wo thoda dur hai isse, to papa utarte the clinic pe aur mama gaadi leke nikal jati thi Liyari ki galiyon mein. So it's how fate brings you to where you didn't even know that this existed. Yeah. I think you're frozen, Umair. Yeah, I think I've lost Umair here. So I'll wait for him to come. How can people work with Kiran School? कोई पूछ रहा है? अभी तो इस वक्त तो हमारी स्कूल बंद है, बेसिकली बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन हमारे बाकी सारे काम चल रहे हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इस वक्त तो रिलीफ चल रहा है स्कूल में ऑफ द फैमिलीज हु वर इन द कोलैप्स्ड बिल्डिंग, उनके रिलीफ पे हम काफ़ी एक्टिव हैं इस वक्त. How do I know if Umair is coming online? Okay, I should carry on. Maybe you can ask me a question and I can carry on. आप क्या पूछना चाहते हैं? थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देती हूँ कि किरण स्कूल 2004 में ये वाकया हुआ था बच्ची का, 2006 में किरण इब्तदाई स्कूल का मॉडल क्रिएट हुआ जो कि 2 साल के बच्चों के लिए था, और उसमें माँ का बच्चे के साथ एडमिशन लेना लाजमी था. सो बच्चे अगर 6 दिन आते थे तो माँ 4 दिन आती थी, उसके भी सेशंस होते थे जिसमें ऑब्वियसली उनके पेरेंटिंग के सेशंस बहुत पावरफुल होते थे, अंग्रेज़ी बोलने की क्लासेस होती थी और हाइजीन, ग्रूमिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस कैसे करते हैं, सब कुछ, यानी वी यूज़ टू कम अप विद टॉपिक्स जो माएँ, जो मदर्स कहती थी कि हमें ये चीज़ सीखनी है, हम वो चीज़ उनको सिखाते थे. कुरान की क्लासेस भी होती थी, तो ये हर साल ये हुआ कि हर साल 20 बच्चे और उनके साथ 20 माएँ हमारी प्रोग्राम का हिस्सा बनती थी इब्तदाई स्कूल का, और उनको 1 साल से 2 साल लगा के हम उनको तैयार करते थे, प्रिपेयर करते थे, बिल्कुल ग्रूम करके उनको दूसरी दुनिया के लिए तैयार कराते थे कि वहाँ जहाँ उनके बच्चों का एडमिशन मेन स्ट्रीम स्कूल्स में कराने का इरादा था, यही मिशन था मेरा कि गरीब और अमीर का गैप जो है वो कम कर दिया जाए. एक ये जो डिस्पैरिटी हमारे माशरे में है अमीर और गरीब की, ये हर लेवल पर है, यानी ये अमीर का स्कूल, ये गरीब का स्कूल, ये अमीर की हॉस्पिटल, ये गरीब की हॉस्पिटल, यहाँ तक कि ये अमीर के शादी हॉल तो ये गरीब के शादी हॉल. तो कभी भी कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ के वो साथ मिलकर दोस्ताना माहौल में आपस में ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें कि जो आगे जाकर एक नई फैमिली का जामिन बने. बिकॉज यू सी, दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट फैमिली है, फैमिली इंस्टीट्यूट, ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है. अगर ये फैमिली इंस्टीट्यूट
अगर इसमें डिस्पैरिटी ना हो तो आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी वो ना अमीर होगी ना गरीब होगी। लेकिन शादियां भी ऐसे नहीं होती, गरीबों की हर कोई अपने अपने तबके में शादी करता है, ये तबका सिस्टम हैज़ टू गो। तो ये कहाँ से मिनिमाइज करेंगे, जो हमें वो एरियाज वो पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ जहाँ इस दो तबकों का इंटरेक्शन बहुत ही फ्रेंडली लेवल पे हो जाए कि जहाँ मोहब्बत और दोस्ती इन सब तफरीकों से बहुत बालातर हो जाए। वो कहाँ हो सकती है आप सोचें? सबसे पहली बात, वो एडल्ट्स में नहीं हो सकती, क्योंकि एडल्ट्स हमेशा तफरीक को याद रखते हैं। तो वो अगर दोस्ती करते भी हैं तो हमेशा एक डिस्टेंस रखेंगे, वो कहेंगे हाँ भाई ठीक है दोस्ती की हद तक तो ठीक है, भाई ये रिश्तों विश्तों की बात ना करना कि हम आपस में कोई रिश्ते नहीं बना सकते। तो लेकिन जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो सिर्फ मोहब्बत की ज़ुबान समझते हैं, वो दोस्ती की ज़ुबान समझते हैं। तो जब बहुत छोटी एज में 6 साल 7 साल की उम्र में जब उनका मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिशन होता है और वो वहाँ मेरिट्स पे एडमिशन होता है, तो फिर उनके दोस्त बनते हैं हर स्ट्राटा से, उनकी नेटवर्क क्रिएट होती है दोस्तों की, कि जो आज से 20 साल के बाद जो यूनिवर्सिटी साथ जाएंगे। अब उनको क्या ज़रूरत होती है मेन स्ट्रीम स्कूल्स को, वो चाहते हैं सिक्योरिटी, कि जो बच्चा हमारे पास अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से आए उसके पीछे कोई ऐसा हाथ ज़रूर हो कि वो बच्चा अपने साथ कोई बैड लैंग्वेज ना लेकर आए, वो बच्चा जो पढ़ाई में तवज्जो देने वाला बच्चा हो, उसकी हाइजीन अच्छी हो, वो फ़ी दे सके, एक और चीज़ वो फीस दे सके, वो हम जब भी कोई चीज़ मांगें तो वो कर सके, हिस्सा ले सके। इन सब चीज़ों की सिक्योरिटी फिर हम देते थे किरण फाउंडेशन बनकर, और उनके फॉर्म्स पे जहाँ उनके माँ बाप का नाम होता है वहाँ मेरा नाम है सरोगेट मदर होता है। उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग्स सिर्फ उनके पेरेंट्स अटेंड नहीं करते, हमारी टीम भी जाती है उनके पेरेंट टीचर मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। तो सो इन अ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स हमारे तकरीबन 150 बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिटेड हैं थ्रू दिस प्रोग्राम कॉल्ड द एम्बेसडर प्रोग्राम। Schools like Habib Public, Daud Public School, Huck Academy, Reflection, Generation, Happy Home Schools, Arts and Science Academy, Aga Khan Schools, DHA Schools. Yeah. Omer, could you come? Assalamualaikum. Haan, uska internet disconnect hua hai, aa gaya dobara. Okay. So I kept on going, you know. So I was please, trying to entertain, yes, yes, entertain your audience. Thanks. Lovely. That's all right. Okay. But it feels a bit odd when you don't have somebody there who's talking to you. I know, he just called me up and said, main ek minute isko dobara lekar aata hu, let me remove my video. Yeah, वो जो प्रोग्राम है एम्बेसडर प्रोग्राम, उसके थ्रू हमारे 150 बच्चे इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स में बड़ी कामयाबी से रवान दवा हैं, पढ़ रहे हैं। जो सबसे छोटे बच्चे जो सबसे पहले आए थे 2006 में, वो इस वक्त कॉलेज में चले गए। दिलीप आस्क्स मी, कैन दिस बी स्केलेबल? ऑफ कोर्स इट्स स्केलेबल, एवरीथिंग इज स्केलेबल, बट इट्स इम्पोर्टेंट for people to get inspired and do their own thing. Ek hi organization usko scale up karti jaye, that doesn't make sense. Ek model create kar diya hai, us model ko replicate kare. More than scaling, I would say it should be replicated. Then when it's replicated, then the idea is scaled. Iska matlab ab scale isko agar ek hi organization usko scale karti hai aur bada karti hai, humne bhi scale to kiya hai na, 20 se we are 150. But we decided the numbers that we want to keep it qualitative rather than quantitative. Ye hamara decision tha, because if we start doing this for maybe 500 children every year, then maybe all those kids would not have been able to be successful in those mainstream schools, because ye bacche jo mainstream mein jaate hain, jab wo apni school se wapas aate hain to they have lunch at their homes and they come back to us. We have a Kiran Ghar in Liari, and that is where they come back and they stay with us till 7 and 8 o'clock in the evening, where they get social, emotional, financial, academic, all four supports. We have therapists and counselors there. We have mentors and guides there. I am so sorry. Sorry. PCL, I am
just this is second day in a row, and I tried doing 10 days pehle in Karachi, and I've complained like numerous times. If PTCL folks are listening, I must tell you that your internet has to go down twice in an hour and make sure that we feel that it has gone down. And it's terrible not to have a human being speaking on the other side who can follow through a complaint. So PTCL, I request you, I beg you to please fix my connectivity. This is, I feel horrible that I have to get my host, guest to face this. So sorry, Sabina, but thank you for carrying on, and thank you all of you for continuing. I missed out of most of it. So sorry. I think you've heard it so many times, and you know the story. I was still just telling them the journey of Kiran. So, वो सारी पुरानी चीजें हैं जो मैं रिपीट कर रही थी. और कोई एम्बेसडर प्रोग्राम के थ्रू जब 150 बच्चे मेन स्ट्रीम चले गए, तो उसके बाद इतना प्रैक्टिस हो गई थी ये ट्रॉमा सेंसिटिव स्कूल सिस्टम की, विच इस यही हमारे तीन मेन एलिमेंट्स हैं हमारे एजुकेशन प्रोग्राम के, दैट इट्स अ ट्रॉमा सेंसिटिव करिकुलम कम्प्लीटली. लाइक एवरी सब्जेक्ट इज डिजाइंड, एवरी लेसन इज डिजाइंड थ्रू द लेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग. तो बिकॉज जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, हमें पता है वो लियारी के हैं. जब हमें ये पता चल गया कि वो लियारी में बड़े हुए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने बहुत खून खराबा देखा है. कितना भी बचा लें, उन्होंने कुछ नहीं तो कम से कम बकरा ईद पे गले ज़रूर काटे हैं बकरों के और गायों के, क्योंकि उनके हाथ में छुरी दे दी जाती है. हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं अंडरस्टैंड करता कि बकरा ईद का कॉन्सेप्ट एक एडल्ट कॉन्सेप्ट है. It's like actually telling the children कि आओ मैं तुमको समझाता हूँ कि निकाह किसको कहते हैं. Would you do that to a 7-year-old? क्या उसको समझ जाएगा, क्या वो प्रोसेस कर सकेगा? ये जो हमारी कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात ना तो दीन ने कभी कहा है कि गली गली काटो. इसके लिए ग्राउंड होता है, जहाँ जहाँ कटता है कभी भी नहीं होता है, ऐसे ना हुआ है पहले. ये हमारे मुल्क में होता है और हमारे जैसे चंद एक मुल्क में होता है, जो घर से नीचे उतरे, बच्चों को बुलाया और बच्चे तालियां बजाते हैं जब उसको रस्सी से गिराते हैं कैमल को. महफिल लगती है ऊंट की, बड़े से बड़ा जानवर हो तो बड़े से बड़ा मजमूआ जमा होता है. जी, बच्चों को कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाया जाए कि देखो अभी बकरा ईद है, तो इस दिन तुम अपनी बेहतरीन खिलौना कुर्बान कर दो, आओ हम किसी को देने चलते हैं. हो गई कुर्बानी, यहाँ पे सारे बच्चे नीचे उतर आते हैं और जब वो ये देखते हैं, और उसके बाद जब वो किंडरगार्टन में आते हैं 4 साल के 3 साल के बच्चे, तो ये तो हमने तो उसकी रिकॉर्डिंग की है. जब वो रिकॉर्ड करके वीडियो टेप करके हम माओं को दिखाते हैं कि बकरा ईद के बाद जब बच्चा स्कूल में आता है तो रूलर उठाता है या पेंसिल उठाता है, कलर पेंसिल, अपने दोस्त को कहता है लेट जाओ मैं तुम्हें काट रहा हूँ. दूसरा बच्चा लेट जाता है, वो उसकी गर्दन पे ऐसे काटता है. अच्छा, यहाँ तक तो फिर भी यू नो रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके, आगे सुने आप. आगे वो उसको कहता है कि रोते क्यों हो, तुम तो जन्नत में जाओगे. इमेजिन taking away the remorse from something, imagine taking away the feeling from it, in fact feeling good about it. The child doesn't know the real concept behind qurbani. It's huge. It's too big for a little child to understand. It's for us to understand, ye hamare liye. To us time jitne hamare bacche hain jo school mein hote hain, unko humne parents ko ban kiya hua hai bacche niche nahi utrenge eid ke dino mein. और पता चल जाता है, बिकॉज जैसे ही वो बच्चे वापस स्कूल में आते हैं तो यही गुफ्तगू चल रही होती है सारी. True that. So in doing all of this, Sabina, I understand. I think we are all with you in the mission, in the spirit. And I think ये सारी बातें हमने सुनी हैं, आपने उसको एक्शन में डाला है एक सक्सेसफुल मॉडल के अंदर, और क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस किया है. जब आप खुद ये कर रही थी तो जाहिर है ऐसी कम्युनिटी में चेंज का पैगाम लेके जाना, या अभी जो आप बातें कर रही हैं इनमें से बहुत सारी बातें फेथ के साथ स्ट्राइक करती हैं, पावर्स के साथ स्ट्राइक करती हैं. क्या आपने वायलेंस देखा, कोई एक्सट्रोशनिस्ट अपने बिहेवियर देखा, एंड इफ यस हाउ डिड यू डील विद इट? बिल्कुल देखा. आई एक्चुअली फेस्ड इट पर्सनली मायसेल्फ टू. देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट ईयर बिकॉज आई सीम्ड लाइक अ वेरी ब्रॉड माइंडेड. I am broad-minded, alhamdulillah. I am very broad-minded. Broad-minded, you know, that's really important. So there were some elements in Liari that didn't want me or didn't want their children to think with a larger horizon. So unhone rokne ki bhi koshish ki. Lekin that was just for 1 year.
जब एक साल के बाद रिजल्ट आना शुरू हुआ बच्चों का एंड दे गॉट इनटू दोस स्कूल्स दैट दे यूज्ड टू ओनली ड्रीम अबाउट और हियर अबाउट, दैट इज व्हेन द ट्रस्ट स्टार्टेड बिल्डिंग के आई एम नॉट देयर फॉर एनी पर्सनल गेन्स, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल जाता है. जब वो बच्चा भागता हुआ आता है और गले से लगाता है और माँ कहता है मुझे सब कुछ मिल जाता है, दैट इज ऑल आई नीड, उससे बढ़कर कोई मुझे कुछ दे भी नहीं सकता, अगर देना भी चाहे तो उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं. That feeling of contentment, the peace that I feel that when I come home, and then उस सब के बदले में अल्लाह सुबहानहु ताला ने मेरे अपने जो बच्चे हैं, मेरे तीनों biological, जो मेरे मैं always I have to say biological because वो सारे बच्चे मुझे माँ कहते हैं, वो तीनों भी मेरे काम में आ गए. What else did I want from life? मैंने तो उनको कभी नहीं कहा था I'm not that type of a mother कि मैं ये कर रही हूँ आप भी करो. Just like you know, you create the environment and you let the magic happen वाली बात है. That is what you have to do. नतीजा कभी हमारे हाथ में है ही नहीं. अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ हमने किया है, वी आर इन फॉर अ बिग शॉकिंग फेलियर, बिकॉज चाहे आप कुछ भी कर लें, नतीजा आपके हाथ में कभी भी नहीं है. दिस आई लर्नड व्हेन आई वाज अ न्यूट्रिशनिस्ट. जिस जमाने में आप 20, 25, 30 औरतों को एक डाइट प्रोग्राम से गुजार रहे होते हैं, सबको एक जैसा डाइट प्लान देते हैं और सबके साथ वही मॉनिटरिंग रखते हैं, लेकिन कोई 5 पाउंड लूज करता है और कोई 25 और कोई कुछ भी नहीं, तो बंदा उस वक्त रियलाइज करता है कि सब कुछ करने के बावजूद. फिर वो मेरे पास आके मुझसे कहती थी कि ये क्या बात हुई, उसके तो 20 पाउंड लूज हो गए. मैंने कहा दुआ की थी, क्योंकि नतीजा तो अल्लाह के हाथ में है, तो वो आखिरी वाली चीज कर लो, एक जो गिड़गिड़ा के रो के दुआ भी कर लो ताकि तुम्हारे सारे एफर्ट्स वो फायदा दें. सो नतीजा तो हमारे हाथ में है ही नहीं, अगर ये नतीजा हो रहा है तो उसकी. एंड आई वाज जस्ट टेलिंग your audience about the journey. I need to end that. That's really important because किसी ने यहाँ सवाल पूछा था कि is this scalable? तो पहली बात तो मैंने उनसे ये कही कि it depends what you call scalable. आपके लिए हो सकता है, किसी के लिए scalable ये चीज़ है कि economically is this scalable? You know, people think like that कि इसमें तो बहुत fund लगते होंगे, ये scale कैसे होगा, ये model difficult है. किसी के लिए scalable, मेरे लिए scalable ये चीज़ है कि जब एक माँ जब मेरे पास आके अपने एक बच्चे के साथ तालीम हासिल करके एक बेहतर पेरेंट बनती है, तो वो रेस्ट ऑफ द बच्चे जो घर में हैं, यानी उसके चार और, वो खुद ब खुद ट्रेन होते हैं. तो ये स्केलेबिलिटी नहीं है. तो वो एक औरत घर में जाके अपने पूरी बिल्डिंग को, अपनी बिल्डिंग में जितने भी उसके नेबर्स हैं उन सबको वो तालीम देती है. हमारी मदर्स एक्चुअली वर्कर्स बन गई हैं, सोशल वर्कर्स बन गई हैं, सब अपने अपने एरिया में जाके तालीम दे रही होती हैं, लोगों को मारने से रोकती हैं, सवाल पूछना शुरू कर दिया है, समझाती हैं लोगों को. ये कुदरती स्केलिंग हो रही है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड इट हैज़ टू बी, इट विल कम लाइव व्हेन यू विल सी द कल्चर चेंज. लोग लियारी में मुझे आके ये बात बताते हैं, दुकानदार वगैरह जो वहाँ के सब्जी वाले, और कभी मैं गाड़ी रोकती हूँ कभी कुछ बात करने किसी से, तो मुझसे कहते हैं आपके बच्चे जब आते हैं ना हमारी दुकान पे तो हमें पता चल जाता है, वो हमसे इतने प्यार से बात करते हैं, शुक्रिया कहते हैं, लाइन नहीं तोड़ते हैं, हमें उनके सामने इतनी शर्म आती है, फिर हम भी उनको जब आपके बच्चे आते हैं ना हम जल्दी से पान थूक देते हैं कि वो देखना ताकि उनको नजर ना आ जाए. तो इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. सो गॉट अ वे टू सी दैट. बट 6 years back 2014 में हमने गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट किया. दैट वॉज अ बिग स्केलिंग फॉर अस. 20 बच्चे हर साल से सडनली वी हैड अडॉप्टेड द स्कूल विद 150 बॉयज. आई वॉन्टेड टू अडॉप्ट अ बॉयज स्कूल बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में लड़के बहुत निगलेक्ट हो रहे हैं. और अगर मेरा दीन मुझे ये कहता है कि लव्स है कि मर्द हाकिम है घर का, अगर मेरा अल्लाह कहता है, तो मुझे ये एम्ब्रेस करना है. मुझे ये एम्ब्रेस करके लड़ना नहीं है इस बात पे कि नहीं. मैं उनसे कहती हूँ बिस्मिल्लाह जी आप ही हाकिम हैं, लेकिन आप एक काइंड हार्टेड हाकिम बन जाएं. व्हाट इफ यू आर द काइंडेस्ट पर्सन इन द हाउस, हाउ लाइफ वुड बी ब्यूटीफुल फॉर ऑल द विमेन हु आर विद यू, योर डॉटर्स, योर सिस्टर्स, योर मदर, योर वाइफ. सो व्हाई आर वी निगलेक्टिंग द बॉयज? वो 6 साल 5 साल की उम्र से सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको लोग ड्रग्स दे रहे हैं, उनको लोग इधर उधर छेड़ रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, गोद में बिठा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स में भी और बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स में भी लड़के पहले फेस करते हैं. और अगर ये सच ना होता तो हमारे मुल्क और हमारे जैसे मुल्क में रेपिस्ट मर्द ना होते, अब्यूजर्स मर्द ना हो. कितनी औरतें निकलेंगी रेपिस्ट, बताइए?
कितनी औरतें निकलेंगी जो ड्रग ट्रैफिकिंग करती हैं, रेशो बता दें मुझे आप। तो ये क्यों हो रहा है, गो डाउन एंड सी हु इज निग्लेक्टेड, द बॉयज आर निग्लेक्टेड, इवेंचुअली दिस मैन एंड वुमेन टुगेदर विल मेक द फैमिली। जितनी औरतें इस वक्त रो रही हैं अब्यूज की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस, आज असल में आई वॉज अपसेट ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ वेरी हैवी केस दैट इज राइट नाउ अनरोलिंग। मैंने ये ब्रेक लेके आपके पास बैठी हूँ बिकॉज वी हैव बीन इन टच विद द सीपीएलसी एंड एवरीथिंग। उस औरत के साथ इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है इस वक्त घर में, उसको रेस्क्यू कराना है फौरन, एक्शन में आ गई हैं अथॉरिटीज, लेकिन वो इसका शिकार किस वजह से है, एक जालिम आदमी की वजह से। वो जालिम आदमी कभी एक छोटा सा लड़का था। उमेर एक बात, एक सोच है, सब जानते हैं रहमान डकैत कौन था, राइट, नथिंग टू हाइड अबाउट, एवरीबडी नोज। यहाँ पे कुछ लोग उनको हाजी रहमान, अब्दुल रहमान भी कहते थे, लेकिन वी नो दैट हु ही वाज, राइट। अगर रहमान डकैत, तुम्हें शायद पता होगी उसकी हिस्ट्री के, उसने पहला कत्ल अपनी माँ का किया था, do you know this? 12 साल की उम्र, 12 साल की उम्र में स्टैब किया था। What makes a 12 year old boy find that anger की लिमिट, या वो कैसे कंट्रोल नहीं रहा, क्या चीज ने इंस्टिगेट किया? कभी मैं सोचती हूँ अगर रहमान डकैत मुझे 2 साल की उम्र में माँ के साथ मिल जाता और वो इब्तदाई स्कूल में होता, तो शायद आज 2000 कत्ल नहीं होते। और अगर ये सोच मैं अपने जहन में रखती हूँ और ये सोच मैं अपनी टीचर्स को हर वक्त देती हूँ कि बेटा सेलिब्रेट करो, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर यू सेविंग फ्रॉम बिकमिंग रहमान डकैत, करो सेलिब्रेट इट, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या बचाया है। आपको तो हर वक्त ये लगेगा आप ये भी काम नहीं किया, क्योंकि मेरी जो टीम है ना वो आइडियलिस्टिक है, बहुत बहुत जबरदस्त टीम है, दे आर नेवर हैप्पी विद व्हाट दे डू, दे वांट टू डू लाइक मोर, नहीं अभी भी मजा नहीं आया, अभी और। मैं कहती हूँ उसको सेलिब्रेट भी किया करो, हमेशा कीप दिस इन माइंड दैट if this would not have happened, if these kids would not have been intervened at this time, we would have had more such people ke jiske haathon 2000 qatl hue. It's really important, that's the formative years, jis time mein aap le lete hain bacche ko, aur us time mein uski maa ki umar tumhe pata hai kya hoti hai, jo pehla bachcha uska 2.5 saal ka hota hai, maa ki umar hoti hai 19 saal, 20 saal, 21 saal, जिसमें हम जैसे या आप जैसे बच्चे तो अभी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हमें माँ बच्चा नहीं मिलता है, हमें दो बच्चे मिलते हैं। सो वी ट्रीट देम लाइक दैट, वी गिव देम दोस ड्रीम्स दैट यू आर आल्सो अ चाइल्ड। वंडरफुल, थैंक यू सबीना, पर दिस इज वेरी मूविंग अकाउंट एंड ऑफ कोर्स आई हैव सीन यू वर्क बट टुडे समथिंग डिफरेंट। वैसे ही कोरोना ने अकल भी ठिकाने पर लगा दी है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस आर नॉट मेकिंग सेंस, एंड अ लॉट ऑफ व्हाट वी हैव इग्नोर्ड इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। तो जो टाइमलेस है प्रिंसिपल्स जो आप बात कर रही हैं, वो दोज आर द थिंग्स टू होल्ड ऑन टू। एंड बहुत रेसेस में fetish about size and fetish about big numbers and generating bigger stories than bigger impact on ground has been a wreck. Aap join kar sakte hain apne sawalat comments ke sath, comments pe bhi likh sakte hain, live ka link bhi aapke samne hai. We have 10 more minutes, we are sailing with Sabina Khatri, Kiran Foundation, Kiran School System, aap look up kar sakte hain, Sabina aap ko look up kar sakte hain, you can find out more apne se jo pooch rahe hain. I would like to know के आपने इतने सालों में conflict और peace building के हवाले से क्या सीखा? आपने बहुत करोड़ों रुपए लगते हुए भी देखे अमन कायम करने के लिए, अमन का पैगाम देके mindset बनाने के लिए, lot of change happened, change activities happened. What have you learned? मैंने तो देखा है कि सबसे बड़ी जो पीस लीडर है ना हमारे पूरी दुनिया की, not about our culture, इस दुनिया की सबसे बड़ी पीस लीडर को इतना इग्नोर किया गया है, दी मदर। इफ वी कैन एजुकेट हर घर की माँ को, आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने अपने घराने में, अपने अपने फैमिली में पीस को लेकर आएगी। इतना बड़ा माइक्रोकॉजम लाइक अ स्कूल, इट्स अ बिग माइक्रोकॉजम, हर इलाके के बच्चा उधर जा रहा है। अगर हर स्कूल के अंदर माँ की तालीम मस्ट कर दी जाए, तो डबल काम करना पड़ेगा टीचर्स को,
लेकिन मोटिवेट करना है, मेरे टीचर्स क्यों इतने मोटिवेटेड हैं माओं के साथ काम करने के लिए? आपका आपका पता है टीचर्स मेरे क्या कहते हैं? टीचर्स कहते हैं हमारा तो काम आसान हो गया है जब से हमने माओं को पढ़ाना शुरू कर दिया, वो तो हमारी वो को टीचर है घर पर उस बच्चे की, जब उसके उसको हम इन्वॉल्व कर देते हैं, 30 चिल्ड्रन इन अ क्लास, 30 को टीचर्स, यू डोंट इवन हैव टू पे देम, दे आर योर हेल्पर्स, इमेजिन हाउ वेल दे मैनेज द चाइल्ड, या वंडरफुल, दिस इज हाउ यू लर्न। एंड द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो हमारी ये जो लव्स है ना कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये हमारी सारी माएं जो कभी स्कूल भी नहीं गई है ना उनको भी बोलना आता है, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीख गई हैं, ऐसे ऐसे तरीके उनको सिखाए गए हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के। एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं यूएसए से, शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलम्बिया, वो ऑनलाइन एवरी वीक हमारे माओ के साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की क्लास करती हैं। तो उन्होंने ऐसी ऐसी उनको तरकीबें बताई हुई हैं कि उनसे ना एक सफ़ेद चादर ना उन्होंने कढ़वाई है, उसके ऊपर रेड ग्रीन एंड येलो की कढ़ाई उन्होंने खुद अपने हाथ से की। बाकायदा वो एक एक्टिविटी थी जो कि 2-3 दिन पे मुश्तमिल थी, उसमें फूल काढ़े गए, मलमल की सफ़ेद चादर। वो चादर जब बन गई तो उन्होंने कहा ये चादर जो है ना आपकी, ये उस वक्त पहनने वाली चादर है जब आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ मगर लड़ना नहीं चाहती, तो आप वो चादर निकालें और सुपरमैन की तरह उसको पहन लें। लेट हिम नो दैट यू आर वेयरिंग दैट वाइट चादर मीन्स दैट यू वॉन्ट टू हैव अ डायलॉग विथ हिम। अब वो चादर निकलती है, अब उनके जो हस्बैंड जब मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, वो मुझसे कहते हैं जिस दिन हमारी बेगम वो सफेद चादर पहन लेती है ना उस दिन हमें पता है कि अब जो है ना रात को कोई बातचीत होने वाली है। सिंपल मेथड्स एंड काइंड मेथड्स, लविंग मेथड्स, एंड दे एंजॉय इट, एंड इवन द चिल्ड्रन नो कि आज मम्मा ने जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की चादर पहनी हुई है, उसको वो अमन की चादर कहती है। I like that. It's a good ritual. में वैसे भी आ जाता है, mentally सामने वाले को prepare भी करता है और आपको भी bind करता है कि अब आपने कैसा behavior दिखाना है। पारिया पूछ रही है सवाल, ना पूछे, मैं भी यही सोचता हूँ। फिर मैं आपके भी सवाल पढ़ता हूँ, आप भी सवाल मुझसे पूछे जा रही है कि ये भी पूछें ये भी पूछें, तो थोड़ा सा ये चैलेंज है कि हम कैसे स्पेस भी दें सलीना को अपनी थॉट्स के लिए और अपने सवाल भी पूछ सके। बट इट्स बीन वेरी इंसाइटफुल सलीना, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दीज। आई हैव कपल मोर क्वेश्चंस एंड देन वील जस्ट टेक द कमेंट्स। व्हाट्स योर टेक ऑन यूथ, बिकॉज यू वर्क विद, यू सीन सो मेनी ऑफ देम ग्रो इन फ्रंट ऑफ यू। पाकिस्तान के नौजवान एक तो हैं बहुत सारे बहुत तरह के, अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ कि उनके होप्स एंड फियर्स क्या आपने गेज किए हैं? अब इस पे मैं एक वाकया बताऊंगी अब कि जब हमने गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट किया था, मैंने आपको बताया कि वो लड़के थे उसमें सब 150, एज ग्रुप था 7-20, मैट्रिक में उस वक्त 21 ईयर्स का भी एक बेटा था हमारा, बच्चा था, और उनकी क्या हालत थी वो तो अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल को आपने कभी विजिट किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी क्या हालत थी। ठीक है, तो वो उनसे मैंने राइटिंग सैम्पल लिया था बिगिनिंग में कि मुझे पता चले कि वेयर डू दे स्टैंड टू यू नो हैव अ बेसिक यू नो नीड असेसमेंट कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो 9th grade का बच्चा लिख नहीं सकता था मैं पाकिस्तानी हूँ, वो लिख नहीं सकता था। ठीक है, तो मैंने उन सबको जमा किया, जब ये सब नीड असेसमेंट हो गई, सबके राइटिंग सैम्पल्स ले लिए, एंड आई वॉज लाइक इन अ फिक्स के वॉट डू आई डू, लाइक देर 19 years old, देर 18 years old, हाउ केन आई गो बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो राइट नाउ, देर अबाउट टू गेट लॉन्च्ड इन टू लाइफ, they can't wait to go out there and start earning, that's that was their, you know, there's no time, so what do I do with them? to sabse pehle to mujhe laga ki I need to be honest to them, because ye jo hua hai ki ye 9th mein pahunch gaye hain iska matlab hai inko deceive kiya gaya hai ki tum pass ho gaye ho, so they were told everything's fine, sab theek hai, tum bilkul theek ho, aage jao। to maine sab ladkon ko jama kiya auditorium mein, aur there were around 100 boys mere ird gird baithe hue the, zameen pe kareeb kuch baithe hue the, un bachchon ke mujhe naam pata the, to maine naam leke kaha, maine kaha qasim beta tumko main pehle to mujhe batao ki main sach bolun ya aapse jhoot bolun, to unhone kaha nahi maa aap bilkul sach bole, humse jhoot nahi bole। to maine kaha qasim pata hai tum ho to 9th mein magar tumhara jo padhai ka level hai wo 1st grade ka hai, sumer tum ho to 8th mein magar tumhara level jo padhai ka hai wo 1st grade ka hai। तो वो बच्चे रोने लग गए, टूट गए एकदम, दे स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगे और मैं खामोश हो गई। आई टुक अ पॉज, आई सेड लेट देम क्राई, इट्स ओके, इट हैज टू स्टार्ट समवेयर। रोए, फिर मुझसे कहते हैं, उठ के कहते हैं, अब क्या होगा हमारा?
मैंने कहा अब बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि हमने सच्चाई से जिंदगी की स्टार्ट दी है, अब हमें सोचना है बैठ के, लेकिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया, बोला। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो पास हुए कैसे थे, क्योंकि वो फिर वो लंबी कहानी है कैसे हुए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट फियर्स, दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ फियर, क्या होगा अब क्या होगा। वो बच्चे सारे माशाल्लाह अर्न कर रहे हैं अभी, कुछ की शादियां हो गई हैं, कुछ कॉलेजेस में हैं, यू नो लाइक गॉड हैज, इट्स अ मिरेकुलस जर्नी। देन आई विल टेल यू अनदर एपिसोड, जो आपने होप की बात की। आई वॉज जब हमने ये अडॉप्ट किया स्कूल, तो बच्चों के साथ मैं खुद मैट्रिक की क्लास टीचर बनी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी विद द एल्डेस्ट ग्रुप एंड गेट टू नो द यू नो द स्टोरीज बिहाइंड दिस 19 एंड 20 ईयर्स ओल्ड, drugs and pornography and everything rampant, okay? And I wanted to know what is going on in their brain. I wanted them to trust me, to tell me, and literally, Mary, they told me everything about themselves. That gave me, you know, that made, I felt so honored. मुझे लगा कि उन्होंने मुझे सातवें आसमान पे बिठा दिया है, अपनी वो बातें बता के जो सिर्फ दोस्त दोस्त को बताता है, और माँ कहते हैं मुझे, लेकिन मुझे सब कुछ बता दिया। बहरहाल जब ये हुआ, उन्होंने जब मुझे उन बातों के बीच में उन्होंने मुझे ये भी बात बताई कि उनको मार कितनी पड़ती थी स्कूल में डंडों से। उन्होंने कहा कि यहाँ हर क्लासरूम के अंदर अलमारियों के पीछे एक बहुत बड़ी छड़ी है जिसके ऊपर लाल टेप लगी हुई होती है, और हमें जी आई गेस, और टेलीफोन के वायर से हमारी शर्ट उतार के टेलीफोन के वायर से हमें बांध देते हैं ग्रिल्स के साथ, और फिर वो, और फिर कुछ लड़कों ने मुझे अपने परमानेंट निशान दिखाए, कुछों ने, एक बच्चे की तो हियरिंग चली गई थी बिकॉज उसको इतनी जोर से मारा गया था उसका सर दीवार में कि कान से खून निकला, और उसके बाद से वो कभी भी सुन नहीं पाता, परमानेंट नुकसान भी हुए। ये सारी कहानियां थी जो कि स्कूल के अंदर होती थी। देन आई यू नो द अदर डे आई आस्क्ड माय टीम, वी आर ऑन अ सर्च फॉर द लाल डंडास, यू नो लेट्स सर्च, द स्कूल इज ह्यूज, इट्स अ 7000 यार्ड स्कूल, कोने कोने बने हुए स्कूल के अंदर, और हमने वो डंडे निकालने शुरू किए, यू नो इतने सारे बड़े बड़े, ठीक है। अब वो मिल गए सब। अब मैं असल कहानी पे आ रही हूँ कि आई कॉल्ड ऑल द बॉयज अगेन इन अ क्लास, उस वक्त तकरीबन कुछ 40 बच्चे लड़के, सारे बड़े लड़के थे 8th, 9th, and 10th के, मेरे साथ दो तीन और इनके गवर्नमेंट के टीचर्स भी बैठे हुए थे, और मैंने उनसे कहा कि, और मेरी ऑफिस बाहर ही थी, मैंने कहा बेटा मैंने अपनी ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड लगा दिया है, एंड दैट्स अ फ्री बोर्ड फॉर यू, कि तुम्हें जिस कोई भी तुम्हें हाथ लगाए उसका नाम वहाँ लिख दो खुला, कि ये टीचर मुझे हाथ लगाता है, या ये टीचर मुझे गाली देता है, या कोई भी तुम्हारी नफ्स पे कोई चीज चुपती हो ना, ये तुम उसके ऊपर खुलेआम लिख दो। तो एक बच्चे ने ऐसे हाथ रेस किया, 9th का बच्चा था, और उसने उठ के कहा कि हम तो माँ, हम तो हैं ही इसी काबिल। ये लफ्ज जो उसने कहा ना, कि हम तो हैं ही इसी काबिल, अगर हमें मारेंगे नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं। और उस वक्त जब उसने ये कहा ना कि हम तो हैं ही इसी काबिल, फॉर मी दैट वाज लाइक के वक्त रुक गया था उस वक्त वहां पर, कि ये किस पॉइंट पे ले आए हैं बच्चे को, कि उसने तो, एक तो होता है रिबेल करना तो बहुत अच्छी चीज होती है, यू आर इन अ गुड स्टेट, दैट यू आर अलाइव फ्रॉम इनसाइड, दैट्स व्हाई यू आर रिबेलियस, बट व्हेन यू डाई फ्रॉम इनसाइड देन यू से हम तो हैं ही इसी काबिल। दैट वाज इट्स एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ व्हाट दे आर टोल्ड, कि तुम इस काबिल हो, एंड ऑन द अदर साइड मैं इसी काबिल हूं, मैं इसी काबिल, दैट्स द स्टोरी रिटन, दैट्स द स्क्रिप्ट टोल्ड। अब ये मुझे क्या लगा, होपलेसनेस, तब जो है ना, दैट वाज फॉर मी अ चैलेंज, के इस बच्चे के अंदर होप को कैसे वापस लाना है, क्योंकि ये सब बहुत सारे बच्चे एक ही बात सोच रहे होंगे। सो दीस चिल्ड्रन एंड द मदर्स व्हेन दे स्पीक अबाउट देयर पेन्स, इट गिव्स मी अ आइडिया टू फॉर्म अ मॉड्यूल ऑफ एजुकेशन, क्या अभी मैंने क्या बनाना है, करिकुलम में क्या लेकर आना है, बिकॉज ये होपलेसनेस है तो होप को लेकर आना है करिकुलम के अंदर डेली बेस पे। होप को कैसे लाएंगे, प्लांटेशन कराएं, बीज डालें। तो हम होप को प्राइम मिनिस्टर ले आए हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ होप देयर। आई विल बी क्वाइट। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, थैंक यू, दिस हैज बीन लवली, वी हैव टू क्लोज दिस, दिस हैज बीन one of the best, I would say. How did your school become a center of hope and leadership? And in that, please, I've seen such young people and brilliant talent. आपके इर्द-गिर्द, और वो young age में जितना confidence दिखाता है, और जो करने चला था जब मैं उस मिला, it's been so inspiring. So please tell us in your own words, how have you become? मेरा एक बच्चा
तुम्हारे कदमों पे चल रहा है बासित. बासित, I love, I think he's fantastic. He's walking in your shoes, mashallah. So he's still training. हाँ हाँ, उसकी तो माशाल्लाह टॉक्स इतनी अच्छी. He's giving his wonderful. He gained confidence from your programs and by watching you. लेकिन अब उसने अपनी नीश बना ली है. तो इनिशियली तो बंदा इंस्पायर ही होता है किसी से और फिर देन फाइंड्स हिज ओन नीश, राइट? सो नो, इट्स ग्रेट टू नो. सो प्लीज टेल अ लिटिल बिट अबाउट योर सेंटर एंड हाउ हैज इट बिकम होप एंड आई थिंक नर्चर्ड लीडरशिप इन बिहारी. आई थिंक ये लव्स बहुत बड़े बड़े हैं, नर्चरिंग लीडरशिप एंड यू नो, इसको ये खुद ब खुद होते हैं. देयर लाइक अ पपी दैट टैग्स अलोंग. अगर आपका आपकी नजर आपकी मंजिल पे हो, इट्स लाइक हैविंग अ पेट डॉग and you walk the pet dog outside and when you're coming home, so you have in your brain ke mujhe ghar jana hai, aapki manzil ghar hai, aapka pet dog aapke sath khud ba khud chalega, aapko fikr karne ki zarurat nahi hai. Lekin agar aap pet dog ko manzil banayenge to aap shayad ghar nahi pahunchenge. So certain things tag along when your eyes are on the right manzil. Aur manzil kya hai, hamari kya manzil hai, ki I want to restore the belief on love. That is it. You want to restore the belief on love. Mohabbat pe iman ko bahal karna hai. Mohabbat hamesha se thi, humne sirf usko bahal karna hai. Kyunki hamara iman mohabbat se uth chuka hai aur hum believe karte hain dadagiri mein. Hum believe karte hain power. Yaar ye aap kaisi baat kar rahi hai yaar, ye koi karne wali baat hai? Show khatam kar rahe hain aap, aisi aukhi baat pe show khatam kar rahi hai. Aapka bahut shukriya. You're fantastic. Keep doing what you're doing. Thank you. आपको बहुत हिम्मत है. बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं वो आपको कैसे reach out कर सकते हैं, मज़ीद जान सकते हैं, join कर सकते हैं. So if you'd like to leave a, they can just message on our page and somebody or the other will go get back to them. अभी तो इस वक्त बहुत ज़्यादा busy. And what is the page exactly called? Facebook page Kiran Foundation. Kiran Foundation. Yes, so you can look up Kiran Foundation. You can look up Sabina Khatri, and you can reach out. Wonderful. Thank you for a wonderful dose in Corona times, much needed. And आप जो काम करती हैं वो, you just don't do it with your hands. It's your heart, it's your mind. It's all over you. आप उसमें डूब रही हैं. आप उसमें नहा रही हैं. Just one message that I would like to give before I leave, because this is really important because of the Corona times. Okay, please, I want to request all the parents, this is the time to take things in their hand. Ye inko mauka mila hai, is saal ko tarbiyat ka saal maan le. The all that authority that you gave to the school, take it back. There won't be any better time. Wow, there'll never be a better time. Parents, ले लें तरबियत का जिम्मा अपने हाथ में, वरना बहुत तबाही होने वाली है. ये तो हम आपको बता दें. हमारे दौर में मौला बख्श, आपके दौर में तो खैर अजीम अजमत के दौर थे, हमारे दौर में डंडे और चपेड़े चल जाती थी, फिर हमारे बाद वाले भी थोड़ी चीजों से रुक जाते थे. अब वाले जो है उनको रोकना, मैनेज करना, तरबियत करने के लिए वक्त चाहिए था और वक्त मिल गया है. सो वंडरफुल मैसेज टू एंड दिस ब्यूटीफुल डायलॉग. अगर आपने मिस किया, आई वुड अर्ज यू टू लुक एट इट अगेन. कुछ हिस्सा सभी ने आपने खुद ही चला लिया, जो कि आई एम श्योर बहुत ही अच्छा था. सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट टू एंड थैंक यू. टेक केयर, स्टे वेल, खुदा हाफिज़. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. वंडरफुल सबीना खत्री, व्हाट अ वंडरफुल लेडी, ब्यूटीफुल वर्क इन द चैलेंजिंग सेटिंग. लियारी के कुछ एरिया स्ट्रगल रहे हैं हम जानते हैं, हमने न्यूज पे बहुत देखा है. सबीना ने वहीं पे काम मुंतखब किया और फुल सर्कल किया, अपनी कहानी से बताया. और जो काम करती हैं उसमें किरदार साजी है. जब बच्चा आता है अर्ली चाइल्डहुड 2-2.5 साल का, तो उसकी माँ उस वक्त 18-19 साल की होती है, जो कि स्कूल में साथ आती है और पढ़ाई करते हैं साथ. माओं का अपना ख्वाब देखना, अपनी जिंदगी होना, इसकी ज़रूरत. कैसे हम अपने बच्चों को पीस लवर्स बना सकते हैं, हमारी कॉमन कल्चर से मिसालें और स्कूलिंग एक्टिविटीज की बेशुमार इनसाइट्स जो कि हमने जानी इस गुफ्तगू में. आप सबका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. थैंक यू हिबा, आई वुड टेक दैट. यस, इट वाज अ वंडरफुल सेशन. थैंक यू मेहर, फारेहा, अली, अराइन, ऑल ऑफ यू आर ब्यूटीफुल पीपल. डू शेयर इट, लेट द वर्ड आउट एंड लेट मेनी मेनी पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान. छोटी छोटी आइलैंड्स हैं बट दे आर ब्यूटीफुल स्टोरीज.
और सही कहा सबीना आपने कि स्केल करना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, किसी एक इदारे की नहीं। जो जो अच्छा कर रहा है उससे वो ले लें और जो कर रहा है वो उसमें डाल दें। इस तरीके से ख्यालात स्केल होते हैं, जरूरी नहीं कि इदारों के साइज बड़े हो। अगर आइडिया बड़ा है तो वो सब अपना सकते हैं और वो उस आइडिया का स्केल होना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, अमन को मौका दें। सभी ने आपने बात की कि लव इज द ओनली कॉन्स्टेंट एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ समबडी जिनको मुझे शो पे लाना चाहिए। ही टॉट मी दिस के बड़ी बड़ी एम्पायर्स दे रोज एंड देन दे फेल, सिविलाइजेशंस आई गई, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज है जो कि कंसिस्टेंट रही है एंड दैट इज लव। Somebody said that बहुत सारे काम हम जिंदगी में करते हैं पैसे कमाने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, बट लव, ब्यूटी, पोइट्री, रोमांस, दीज आर द थिंग्स वी स्टे अलाइव फॉर, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स वी वॉन्ट, वी नीड, एंड दे आर वेरी वेरी पावरफुल इमोशन। Sabina हैज मेड दिस हैपन इन अ डिफिकल्ट सेटिंग विथ लव, शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड चिल्ड्रन देयर एंड यंग यंग वंस, द यंग मदर्स, श्योरली ऑन द पावर ऑफ लव। और उनकी शख्सियत में भी नजर आता है, मोहब्बत का पैगाम आम करें, लड़ाने वाले बहुत हैं, और मोहब्बत से एक दूसरे को समझाएं कि ये मुश्किल वक्त है, इसमें नौकरियां भी जाएंगी, इसमें कारोबार भी बंद होंगे, इसमें हमें बचना है, इसमें हमें अपने आप को फेस करना है, बजाय इसके कि हम भागें और जल्दी से एक्टिविटीज रिज्यूम करें। इट इज टाइम फॉर अस टू टेक दिस पॉज। And Sabina highlighted some wonderful things to take a pause on, and also highlighted how our schools have not trained us on taking this pause. Aap sabka bahut shukriya, khush rahe, jazakallah.